हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका कोई रिलेटिव जानकार अगर किसी पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर जॉब करता है तो आप उसकी सैलरी आराम से देख सकते हैं। इसका बहुत बड़ा फायदा है कि अगर आप अपनी बेटी का रिश्ता कहीं करने जा रहे हैं और आपको देखना है कि वो लड़का एक्चुअल के अंदर उस बैंक के अंदर जॉब करता है, किस ग्रेड पे है, क्या उसकी सैलरी है, ये एक एग्जाम्पल इसका है। बाकी और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मेजरली मैं 3 बैंक की वीडियो आपको दिखाऊंगा, SBI, PNB और कैनरा बैंक। ऐसे आप किसी भी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जाके RTI सेक्शन के अंदर जाके वीडियो देख सकते हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूं SBI। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, गूगल पे जाके आपको लिखना है SBI कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हर एक बैंक की वेबसाइट पे RTI का लिंक होता है। जैसे SBI की वेबसाइट ओपन, यहां जैसे लिखा है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, इस पे मैंने क्लिक किया। फिर यहाँ पे देखो इनकी वेबसाइट ओपन हुई, इनका यहाँ पे मोटो लिखा है सेक्शन 4 RTI एक्ट 2005, इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। फिर यहाँ पे लिंक आ गया। यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, आपको आराम से यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। बाकी मैं लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर दे दूंगा। अब जैसे यहाँ नीचे स्क्रॉल गया, फिर यहाँ देखो लिखा है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय विथ मंथली रिन्यूमेंट्स। अब यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज SBI के किसी भी ग्रेड पे हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी क्यों ना हो, उसकी सैलरी दिखेगी। क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे आपको लेना है कैरेट। यहाँ अगर आप कोई बोलता है कि मैं ऑफिसर के ऊपर जॉब करता हूँ, ऑफिसर कैरेट है, तो यहाँ पे मैंने ऑफिसर कैरेट उसका क्लिक किया। अब कोई बोलता है कि यार मैं बैंक मैनेजर हूँ, तो यहाँ पे उसको लेना है मैनेजर। तो जैसे मैंने लिया मैनेजर, अब यहाँ पे आपको डालना है कैप्चा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जितने भी SBI के अंदर मैनेजर हैं वो उनकी सारी लिस्ट आपको दिख जाएगी। अब आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकता है। अब मान लो ये एम्प्लॉयज की लिस्ट आ गई, आप यहाँ पे आराम से आप उस बंदे का नाम देख सकते हैं वो कहाँ पे जॉब करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ दीपक कुमार जी का, ये मैनेजर हैं SBI कोलकाता, इनका सर्किल है और इनकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो आपको दिख रही होगी। यहाँ पे है 1,19,843 रुपये, ये इनकी ग्रॉस सैलरी है। ये एक एग्जाम्पल था SBI का। जैसा कि अभी आपने SBI का वीडियो देखा, अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कैनरा बैंक का। आप किसी भी बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इस चीज को आराम से देख सकते हैं। गूगल पे जाके आपको लिखना है कैनरा बैंक RTI एक्ट। मैंने जैसे गूगल पे लिखा, यहाँ एक वेबसाइट आ गई डिस्क्लोजर अंडर RTI एक्ट 2005, इसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इनका बहुत आसान है प्रोसेसर, इन्होंने एक PDF ही दे दी है, बहुत अच्छे लोग हैं। अब यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करना है आपको, यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। फिर मैं नीचे स्क्रॉल किया। अब देखिए और यहाँ पे आ गया यहाँ पे लिस्ट। अब यहाँ पे लिखा है देखो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, साफ साफ लिखा है। इस एक लिंक है, इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया 10 MB की PDF फाइल डाउनलोड हो गई, उस PDF फाइल को एम्प्लॉय कर लिया, ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे एम्प्लॉयज की लिस्ट आ गई है। ये 2,910 पेज हैं इसके अंदर। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी बंदे का नाम इसके अंदर सर्च कर सकते हैं और उसकी सारी डिटेल आपको आराम से इसके अंदर मिल जाएगी। देखिए बैंकिंग सेक्टर के अंदर किसको क्या बेसिक पे है, ये ऑलरेडी हर एक बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे और IBPS भी ये चीज बताता है कि किस ग्रेड का, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3, जो जो स्केल्स होती है हर एक स्केल का बेसिक पे है और जो बंदा जितने साल से काम कर रहा है उतने उसके। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर करें ताकि इस इंफॉर्मेशन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। अगर आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर डाउट्स।